Uh, अभी आपने जैसे बोला कि क्वेश्चनिंग इज अबव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस मैं ये नहीं कहूँगा सर जब हम उस फेज में जाते हैं जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं हर चीज़ों हर चीज़ के बारे में हमारे आसपास जो भी है तो एक लेयर बाय लेयर हम नीचे चले जाते हैं उस पर्टिकुलर मैटर में उस पर्टिकुलर थॉट्स uh, में या जो भी है तो सर वहाँ पर जाकर हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं हमारे क्वेश्चन के वो सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा सर

हाँ चीज़ तो पता ही नहीं सर वो फिर कैसे तो देखो क्वेश्चनिंग दो तरीके से होती है एक होती है जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं वो अगर क्वेश्चन करते भी हैं तो ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं वो बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करते हैं okay. जैसे मेरे से यहाँ पर बैठ करके ज़्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं चाहे यहाँ पर बैठ करके चाहे ऑडियंस में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए या उनको एक्चुअल में आंसर चाहिए उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वैसा ही सोच रहा है कि अरे आप भी बिल्कुल उसी तरह से सोचते हो जैसे मैं सोचता हूँ तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं right. वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं वैसा करते हैं वैसा करते हैं तो मैं उसमें एग्री हो जाऊँ उसके पॉइंट पर मैं कहूँ हाँ 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 तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बिल्कुल ठीक बाद में वो दिखा सके देखो सर ने बोला तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके पीछे एक एजेंडा है उसके पीछे एक मोटिव है दैट इज नॉट इंटेलिजेंस वो तो ऊपर ऊपर लेवल से लग रहा है क्वेश्चनिंग है क्वेश्चनिंग का रूट पकड़ा है लेकिन वो रूट बेसिकली वहीं तक पहुंचने के लिए है जो उसका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है तो बिलीफ चेंज कैसे होगा चेंज तो होगा ही नहीं तो क्वेश्चनिंग कैसे करें क्वेश्चनिंग मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स बेस्ड अपॉन रियालिटी जैसे मैं यहां पर हूं अभी आपके सामने बैठा हूं अब इसको कैसे क्वेश्चन करोगे नहीं कर सकता जो है उसको एज इट इज देखना इस क्वेश्चनिंग जैसे एक साइंटिस्ट देखता है मतलब वहां पर देर इज नो सेल्फ हु इज लुकिंग एट इट वॉट इज सेल्फ

तो वहां पर आगे क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ बचता नहीं है यहाँ पर एक कप नहीं है दो कप है इस कप के अंदर कोई बियर नहीं है एल्कोहल नहीं है हर्बल टी है पी के देख लो देखना एक बार पी करके चेक कर क्या है ये हर्बल टी हर्बल टी है yes, तो आप ये किस बेस पे बता पाए कि हर्बल टी है इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे दो बजे हो सकती है या तो आप दारू बहुत पीते हो <laughs> तो आपने टेस्ट करा और बताया कि दारू नहीं है, दारू नहीं है। <laughs> या फिर आप हर्बल टी पीते हो और उसके बेस पे आपने बोला कि है, right. तो क्या इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि यहां पे दो कप पड़े हुए हैं और उसके अंदर है? It can't be questioned. तो क्वेश्चनिंग इज़ सिंपल, या फिर example, मैं एक देता आपको मैं ये कहता हूँ कि आप डीप इन जैसा चाहते हो जैसा मानते हो वैसा ही आपके साथ में होता है इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे क्या मैं सही कह रहा हूं या ये मेरा अपना एक स्टैंड पॉइंट है क्या ये रियालिटी है या एक थाट है मेरा अपना कि जैसा हम डीप विद इन मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली उसी तरह से हम एक्ट करने लग जाते हैं यानी जो मानता है कि मेरी जिंदगी बेकार है तो उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल बेकार हो जाए जो कहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होने लग जाती है अभी छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है तो इसको कैसे समझा जाए ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जिसको आप पढ़ सकते हो जिसको आप स्टडी कर सकते हो जो कोई इल्यूजन नहीं है जिसमें एक एक चीज़ को मेजर किया गया है जैसे एक स्टडी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें क्या किया कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया ग्रुप ऑफ विमेन हु वर्किंग इन अ होटल उन्होंने क्या किया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आधो को यह बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो होटल में ये जो आप काम कर रहे हो चादर चेंज कर रहे हो सफाई कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है वेरी गुड फॉर योर हेल्थ वेरी गुड फॉर योर फिटनेस बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया बस ये थॉट उनके माइंड में प्लांट कर दिया उन्होंने मान लिया दूसरे ग्रुप को क्या किया कुछ भी नहीं बोला उसके बाद एक महीने बाद उनको मॉनिटर किया तो क्या निकल करके आया वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि जैसा हम मानते हैं वैसा होने लग जाता है मतलब कि एक महीने बाद उनके बी को मॉनिटर किया बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज पहले कितना था अभी कितना है जो मसल मास है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे ये देखा कि इन दो ग्रुप्स में क्या फर्क है एंड देर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू यानी कि जिन्होंने मान लिया कि ये जो मैं कर रही हूं वो एक एक्सरसाइज है उनकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया उनकी फैट परसेंटेज कम हो गई उनका मसल मास बढ़ गया और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ किया क्या दोनों ने एक महीने तक सेम, सेम वही काम किया तो बायोलॉजी को ओवर रूल कर दिया किसने एक थॉट ने एक बिलीफ ने इतनी पावर होती है एक बिलीफ